प्रिय बंधुओं भगनियों, सादर ओम नमो नारायणाय। कल्याणी गंगा के तट से मैं एक विशेष संदेश देने के लिए आपके बीच में हूं। हमारी संस्कृति प्रकाश की संस्कृति है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम उजालों के पक्षधर हैं, हमने सदा आलोक का सम्मान किया है। और जितना भी हमारे आसपास में दुर्बोध है, कठिनाइयां हैं, अभाव, अल्पता, संशय, भय, रोग अथवा अज्ञान जन्य जितने द्वंद और दुख हैं, उनके लिए भी हमने आत्म प्रकाश अथवा सत्य के प्रकाश का आश्रय लिया है अथवा ज्ञान के प्रकाश का आश्रय लिया है। प्रकाश जीवन को जीवंत करता है, जीवन मुखर और प्रखर प्रकाश में होता है, क्योंकि प्रकाश एक उत्सव है और प्रकाश स्वयं जीवन है। जीवन की स्वाभाविक मांग भी प्रकाश है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का आह्वान किया है कि हम सभी 130 करोड़ भारतवासी एकमत हों, एकजुट हों और हम अपनी एकात्मता के साथ खड़े हों। हम इस वैश्विक संकट काल में प्रकाश का आह्वान करें अत्यंत उत्साह के साथ और सकारात्मक, विधेयक और अत्यंत भावपूर्ण अंतःकरण के साथ। एक ऐसा काल है जब भारत के समन्वय और भारत की एकात्मता का परिचय हमें पूरे विश्व को देना है। हम संकट के काल में सदा एक रहें, हमारा एकत्व, हमारा सह अस्तित्व अथवा हमारा आत्म भाव, जिसे आत्म सर्वभूतेषु कहते हैं, अथवा विश्व बंधुत्व भाव पूरे विश्व का चिरकाल से मार्गदर्शन करता आया है। 5 अप्रैल की प्रदोष के बाद रात्रि काल में ठीक रात को 9 बजकर 9 मिनट तक अथवा 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक हम आह्वान करें, अपनी आत्मशक्ति का जागरण करें, अपने भीतर के उत्साह को जगाएं। और एक बहुत बड़ा सच है कि जब व्यक्ति सकारात्मक होता है, विधेयक होता है अथवा वह प्रार्थना के स्वर में होता है, तब अत्यंत ऊर्जावान, सामर्थ्यवान और वह अधिक शक्तिशाली होता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का समर्थन करते हैं। मैं लाखों सन्यासियों की ओर से, हिंदू धर्माचार्य सभा की ओर से और गिरिकंदराम उपत्यकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों की ओर से पूरे राष्ट्र का आह्वान कर रहा हूं कि हम सब एक साथ खड़े हों, हाथ में मोमबत्ती, दिया लेकर अथवा प्रकाश का कोई भी माध्यम हम अपने पास रखें। 5 अप्रैल रात्रि 9 बजे हम सीधे खड़े हो जाएं, पर ध्यान रहे हम घर में ही रहें, अपने द्वार में ही रहें, लक्ष्मण रेखा हम लांघ न जाएं, अपने आसपास ही रहें। आपके इस एकांत के व्रत का अथवा आपके इस प्रकाश के आह्वान के व्रत का देव भी सम्मान करेंगे, क्योंकि देवताओं को भी अत्यंत प्रिय प्रकाश ही है। और जीवन के समूचे अर्थ अथवा जीवन की वास्तविकताएं और जीवन का सत्य भी प्रकाश में ही उद्घाटित होता है, प्रकाश में ही वह अनावृत होता है। आइए हम एकजुटता दिखाएं और शुभ संकल्प के साथ, एकात्मता के साथ, सह अस्तित्व के साथ प्रकाश का आह्वान करते हुए इस समूचे संकट के काल में, इस महामारी के काल में, फैली हुई निराशा आशंका के काल में अपने एक मत को और अपनी एकात्मता को जगाएं। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति की सबल संपोषक और 130 करोड़ भारतीयों के सबल संरक्षक, भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस व्रत को हम सफल बनाएं। आइए एक साथ खड़े हों प्रकाश लेकर, राष्ट्र का कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाक्।